19 जनवरी को अर्णव की चैट पे फिर ज्ञान दे रहा है रवीश की, अर्णव की चैट में जो बालाकोट के ऊपर आया है और ये वो, उससे पता चलता है कि सरकार में कितना सूचना का एक्सेस है कि पायलट को भी अंतिम मोमेंट पर जो जानकारी दी जाती है वो अर्णव के पास जानकारी थी, और एक चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। चैट क्या था? चैट ये था कि आने वाले दिनों में कुछ होने वाला है, बड़ा होने वाला है। चैट ये था। कश्मीर के भी बारे में रवीश बोलता है कि क्या 370 के बारे में दो तीन दिन पहले ही पता था। अब दोनों इंस्टेंसेज में देखिए कि कैसे आप लोगों को पागल बनाया जाता है। जब पाकिस्तान ने पुलवामा किया तो किस भारतीय को पता नहीं था कि जिस सरकार ने उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था वो आपको लगता है चुप बैठे रहते। मेरे भी चैट जो है मेरे दोस्तों के साथ आप निकाल के देख लेंगे तो मैंने भी लिखा है कि दिस टाइम गवर्नमेंट इज गोइंग टू हिट देम हार्ड। तो मेरी क्या अजीत डोभाल से सीधी बातचीत होती है? मैं भी क्या उन पांच लोगों में हूं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, वायुसेना चीफ और पायलट, क्या मैं उन पांच लोगों की जानकारी अपने पास रखता हूं? किस व्यक्ति को नहीं पता था, और वो मूर्ख ही होगा जो इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड, खास करके इस तरह की सुरक्षा की बातें जो हैं और टेरर एक्टिविटीज़ को लेके रहा है, तो उसको ये रियलाइज़ ना हुआ हो कि ये सरकार किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, और उसको बोला जा रहा है कि बालाकोट की जानकारी इसको पहले से थी, फिर 370 के बारे में बोला जा रहा है कि दो दिन पहले कैसे पता चल। सबको पता था भाई, आप मूर्ख हैं। मेरा उसी टाइम में तीन दिन पहले का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बोला था कि तीन चीज़ें हो सकते हैं, ट्राइफर्केट किया जाए, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। ये सारी बातें तो चल ही रही थी, तीन हिस्से में नहीं, दो हिस्से में बांटा गया था। 130,000 ट्रूप्स को जब मूव किया गया वहाँ पे, तो आपको समझ में नहीं आया कि सरकार क्या करने जा रही है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप इस उम्र के हो चुके हैं, मुझे लगता है 50 साल के तो होंगे ही रवीश कम से कम, तो आप मूर्ख हैं, आप महामूर्ख हैं कि आपको पता तक नहीं चला और उसको आधार बना के आप बोल रहे हैं कि सरकार इन लोगों को पहले जो सूचना पहुंचा दे रही थी। मैं उन लोगों से भी बोलना चाहूँगा जो वाकई मतलब कुछ चैट्स को देखकर आप इस तरह की बातें करने लगती हैं, और ख़ास करके मीडिया। मीडिया तो पूरा का पूरा सूत्रों के हवाले से ही चलता है। ये व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्था पे और इन्फॉर्मेशन के लीक होने का ज्ञान दे रहा है, जिसकी सहकर्मी बरखा दत्त, कारगिल में उसने क्या किया था, नीरा राडिया टेप में क्या चल रहा था, तुम्हारे अपने चैनल ने पठानकोट के टाइम में क्या किया, मुंबई टेरर अटैक के टाइम में क्या कर रहा था, क्या वो पाकिस्तानियों को डायरेक्ट सूचना नहीं दी जा रही थी? उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट आता है मुंबई टेरर अटैक की कवरेज के बाद, और उसको तुम फॉलो नहीं करते, तुम बता रहे हो कि कहाँ हैंगर है, कहाँ पे एमिनेशन डिपो है। सोलेली सिर्फ NDTV ये काम कर रहा था, और ये आदमी सुरक्षा व्यवस्था पर ज्ञान दे रहा है कि अर्णव के चैट में ये निकला है। शर्म कर लो यार, मतलब पाकिस्तानियों को सूचना पहुंचाने का इतिहास रहा हो जिस चैनल का, वो ज्ञान दे रहा है कि एक आदमी अगर बातचीत कर रहा है आपस में कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, वो तो मैं भी करता हूं, इतनी समझ तो मुझ में भी है। अब तुम में इतनी समझ नहीं है, तुम मूर्ख पैदा हुए हो, जाहिल हो, पैदाइशी मतलब जन्मजात गंवार हो, तो ये तुम्हारी समस्या है भाई, वो अर्णव की समस्या नहीं है। और कोई इतना बड़ा मीडिया चैनल चला रहा है तो सूत्र है उसके। कई बार ये भी होता है कि नेता लोग एग्जैक्ट बात नहीं बताते हैं, और कैसे, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है? राफेल की फाइल्स जो एक्सेस कर रहे थे तुम लोग झूठ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, एनराम के ऊपर क्यों नहीं सवाल उठा रहे थे तुम? एनराम ने जो वो कॉपी एक्सेस किया था चोरी से, उसके ऊपर क्यों नहीं कहा गया कि रक्षा मंत्रालय में कैसे घुसपैठ हो गई, कहां से आया? नहीं, तब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब व्यक्ति या जर्नलिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अभी जो है बोल रहा है कि नहीं, NIA से जांच करवानी चाहिए अर्णव की, कि कितने लोगों को पता है कि अगर ये जानकारी पाकिस्तान के पास चली, अरे पाकिस्तान के पास कैसे चली जाएगी, वो अर्णव है, वो बरखा दत्त NDTV रवीश थोड़े जिन्होंने अपनी आत्मा और जमीन को बेच लिया है।